दूध नहीं पिलाना, और अजी वो रोएगा और तुमने गोदी मेलरी वो ढांक लिया हो, अगर एक ही घूट पी पाए और तुम उसको छुटा करके नीचे बिठा लो तो निश्चित फिर जाएगा। तो वेदांत का ब्रह्म फिर गया, जिस प्रकार से वो बालक को दोबारा लोगी तो रोएगा या तो वो नोचने लगेगा या मम्मी को काटने लगेगा। तो वेदांत का ब्रह्म रीत गया और दूध उठाने के लिए जब तक पहुंची तब तक पवन देवता को और भगवान ने आदेश दिया कि और तेज हो जाओ, तो और तेज हो गया तो सारा दूध नीचे चला गया, दो किलो बचा पाए। नुकसान कितना बड़ा हुआ, 20 किलो के भाड़ की मटकिया भगवान ने मुंह उठा करके इतना पत्थर, और जब तक मैया वहां गई और नुकसान कितना बड़ा हुआ, उठा करके एक तवड़ा ढेरा और मटकिया में दे दिया, मटकिया से मार दिया तो धोंधा हो गया, धोंधा सारा मक्खन बाहर गिरने लगा। भगवान ने क्या किया, मटकिया को उल्टा कर दिया और बंदर भी आ गए, मोर पक्षी भी आ गए और उनको खिलाने लगे और उल्टे बैठकर के टोंट बजाने लगे। मैया ने देखा कौतूहल तो पहले तो बड़ी प्रसन्न भाई, फिर उठाई लठिया। अब लाठी क्या है, अहंकार का रूप है। जब हाथ में मैया ने लाठी ली तो भगवान ने तो अपना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि चलने लगे थे, आगे आगे कन्हैया भागो जा रहे हो और पीछे से मैया, और बड़ी सुंदर झांकी है, अरे पांव पे जलिया अरे कमर में झुलनिया, चंद्रमा मंगावे गई। भगवान दौड़ी चले जा रहे थे, मैया का शीश फूल खिसक गया, झुमकी खिसक गई, सिंगार पसीना में बहने लगा और हाँफ में जब बड़ा हो जा दो ढाई साल को छोड़ा तो फिर एक जने की जिम्मेवारी। मैया ने लठिया फेंक दी और जब लाठी फेंक गई तो अहंकार चला, और जब अहंकार चला गया तो भगवान को पकड़ गया। जिस वेदांत के ब्रह्म को आज तक किसी ने नहीं पकड़ पाया, बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म कर ही बिन आनंद रह सकल भोगी और बिन पानी भक्तावर जो, उस ब्रह्म को आप लोगों ने ही पकड़ पाया। जिसका कभी गठबंधन नहीं बना उसे गठबंधन के माध्यम से सीता स्वयं बन में ला